ओम सुप्रभातम जी। आइए आज हम हाई बीपी से जो जूझ रहे हैं उनके लिए एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट और उसके लिए खास अनुलोम विलोम प्राणायाम और आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में हम बात करते हैं। जिसको हाई बीपी हो, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, उनको तो पहले नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, नमक खाना, क्योंकि नमक का सेवन करता है तो उससे और बीपी का जो लेवल है बढ़ सकता है। तो पहले तो नमक बंद कर दे वो। और ये हमारी जो छोटी उंगली के जस्ट पहले अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ये अनामिका उंगली के स्टोप पर दबाने से यहाँ पर हाई बीपी के जो पेशेंट है उसके जो बीपी का लेवल है बहुत ही संतुलित अवस्था में आ जाता है। तो इसको जरूर दबाएं, पहचान लीजिएगा, ये हमारी छोटी उंगली के जस्ट पहले है अनामिका। इसके टोप, इसको, इस भाग को ऐसे दबाना रहता है, या इसको ऐसे आप पेन या लकड़ी से भी इसको ऐसा दबा सकते हैं। हाई बीपी के लिए बहुत ही कारगर है ये। छोटी उंगलियों पर ही भी इसका पॉइंट है हाई बीपी के लिए। तो आज मैं हाई बीपी की ही बात करता हूँ। बिल्कुल इसको दबाने से बहुत ही फायदा मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दायां नासिका को बंद करके बाएं से श्वास भरेंगे और बायां नासिका को बंद करके हम दायां से छोड़ेंगे। फिर दायां से श्वास भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लौकी का जूस यदि आप पीते हैं उसमें पुदीने का पत्ते ले लेंगे उसमें तो और ही कारगर रहता है। इसको खाली पेट सेवन करें तो हाई बीपी के पेशेंट को कितना अनुलोम विलोम प्राणायाम प्लस एक्यूप्रेशर, और एक्यूप्रेशर पे बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो अनुलोम विलोम, एक्यूप्रेशर और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को बिल्कुल कर ही लीजिएगा। खान पान में थोड़ा ध्यान रखें। ओम नमस्ते जी।